उत्तराखंड के नैनीताल लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में इन दिनों पुलिस के ऑपरेशन धरपकड़ से नशे की सौदागरों में हड़कंप मचा हुआ है। कोतवाल डीआर वर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस ऑपरेशन धरपकड़ में अब तक 2 दर्जन से अधिक मादक पदार्थों के तस्करों को धर दबोचा गया है। बताते चले कि बीते लंबे समय से लालकुआ क्षेत्र कच्ची शराब तस्करी के लिए भी बदनाम है। यहाँ पर साल पुलिस औसतन 30 से 40 तस्करों को शराब की तस्करी करते हुए पकड़ती आई है, लेकिन इस बार पुलिस का अंदाज और तेवर दोनों बदले हुए हैं। इधर कोतवाल डीआर वर्मा के कोतवाली की कमान संभालने के बाद ही तस्करों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उनके द्वारा पिछले 1 महीने से शुरू हुए ऑपरेशन धरपकड़ में ही अब तक 2 दर्जन आरोपियों को कच्ची शराब की तस्करी में धर दबोचा गया है। इसमें स्मैक एवं ड्रग्स तस्कर भी शामिल हैं। नशे के खिलाफ जिसमें शराब से लेके सभी इसमें जो है युद्ध स्तर पर जो है कार्रवाई की जा रही है, कई टीमें बना रखी है। तब से लगभग 2 दर्जन NPS के साथ साथ पंजीकृत हुए हैं, मुझे पर भेजा गया है और 12-14 लड़कों को काउंसिलिंग भी, और बाकी इसमें जो है सख्त कार्रवाई। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।